मैन मेंटेलिटी है ना वो आपको कभी उम्मीद नहीं होने हमने कंज्यूमर पैदा किए हैं हमने प्रोड्यूसर पैदा ही नहीं किए द डायरेक्शन ऑफ कैश एंड मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन योर फेवर आपने आज तक फ्लो ऑफ मनी को ही नहीं समझा फ्लो ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का मनी फ्लोज फ्रॉम कंज्यूमर पैसा कहां से कहां फ्लो करता है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ कंज्यूमर का माइंडसेट क्या है लेट्स सपोज वर्क इन अ बिग जाइंट कंपनी विच इज मेकिंग फूड आइटम्स मैं कंज्यूमर हूं फूड आइटम्स का उससे पैसे लिए उससे जाके उसी की चीजें खरीदी उसी को पैसे वापस कर दिए फ्लो ऑफ मनी वापस मेरे एम्प्लॉय की तरफ ही है इसने मुझे मेरा जो एम्प्लॉयर है उसके पास ही है ना तो फ्लो ऑफ मनी हमेशा प्रोड्यूसर की तरफ जाएगा सो इफ यू वॉन्ट टू मेक मनी वट यू हैव टू डू डू यू हैव टू थिंक लाइक अ कंज्यूमर और डू यू चेंज योर माइंड सेट एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ प्रोड्यूसर सो प्रोड्यूसर क्या करता है प्रोड्यूसर क्रिएट्स थिंग्स प्रोड्यूसर क्रिएट्स आइडियाज जो सेलेबल हो प्रोड्यूसर क्रिएट्स आइटम्स जो यूजेबल हों जूते कपड़े हर चीज मैनुफैक्चरर्स इंडस्ट्रियलिस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स एवरी थिंग इसमें इस, इस वक्त जिसमें हम बैठे हुए हैं किसी ने प्रोड्यूस की है सो टेक्निकली स्पीकिंग ऑल यू हैव टू डू इन योर लाइफ कंज्यूम लेस कैश फ्लो आप पॉजिटिव में चले जाएंगे आगे इसकी स्ट्रेटजीज क्या है वो एक लंबी बात है लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। सो यू कंज्यूम लेस एंड प्रोड्यूस मोर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग मोर आई हैव नेवर बिलीव्ड के सेविंग इज गोइंग टू मेक यू रिच आई थिंक सेविंग की जो मैंटेलिटी है ना कि हमारे जो शायद बच्चे कुछ सेव कर लो पच्चीस हजार पचास हजार तुम जो हो वो पैसा जोड़ लोगे तुम्हारे पास पैसा नहीं इसमें कहीं पे सेविंग आ रही है इसमें कहीं पे सेविंग का जिक्र है ठीक है आपने प्रोड्यूस सो जस्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर डोंट ब्रिंक डाउन योर नीड्स जिंदगी में जब आप छोटा सोचेंगे अपनी नीड्स को कम करेंगे नहीं यार मैं नहीं दो तरह की सोच हो सकती है फॉर एग्जाम्पल एक ये है कि मैं आज से एक करोड़ रुपया कमा रहा हूं महीने का तो, तो पच्चीस लाख जोड़ना शुरू कर करता एक ये मैंटेलिटी है पंजीय लाख जोड़ांगा दो महीने का इतने सालों में दस सालों में मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे फिर मैं जहाज ले लूंगा और दूसरी मैंटेलिटी क्या है यार क्यों ना मैं दो अरब कमाना शुरू कर दू महीने का दो अरब कमाऊंगा पहले महीने से आज खरीद सकता हूं मेंटेन भी कर सकता हूं तो अगेन पुअर मेंटेलिटी खत्म करें जब आप यह सोचेंगे कि मैंने सेव करना है तो so सेविंग नहीं है सिर्फ ये सोचे मैंने प्रोड्यूस कैसे ज्यादा करना मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकता हूं मैं कोई इंडस्ट्री लगा सकता हूं मैं कोई टीवी चैनल बना सकती हूं मैं कोई और ऐसा काम कर सकता हूं जिससे मेरी प्रोडक्शन बढ़ती है तो दैट इज हाउ यू कंट्रोल फ्लो ऑफ मनी टूवर्ड्स योर तो फ्लो ऑफ मनी जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करना शुरू करेंगे फ्लो ऑफ मनी यहां से आपके पास आना शुरू हो जाए स्टेटस्टिक्स कहते हैं कि जो पुअर मैन मेंटेलिटी है ना वो आपको कभी अमीर नहीं होने देगी सो फॉर एग्जाम्पल दुनिया में आपको एक स्टैट आज बड़े मजे का फैक्ट है कि 46 सिक्स परसेंट ऑफ लॉटरी विनर्स जिनके मिलियन डॉलर की लॉटरी निकलती हैं बाहर फोर्टी सिक्स परसेंट ऑफ दैम लूज देयर मनी विद इन फोर टू फाइव ईयर्स चार से पाँच साल के अंदर अंदर वो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर लूज करते हैं मेंटालिटी क्या है कंज्यूमर ओरिएंटेड अगर आप बॉन्ड रिच भी हैं और आपकी मेंटालिटी कंज्यूमर ओरिएंटेड है तो आप गरीब हो जाएंगे जब आप पैसा किसी कंज्यूमर ओरिएंटेड माइंड जिसको पुअर माइंड मैं इसमें रिचनेस पुअर की बात जब मैं कर रहा हूँ तो वो पुअर इंसान को नहीं मैं कह रहा मैं पुअर माइंड की बात कर रहा हूँ उस पुअर माइंड को देंगे तो वो पैसा उजाड़ देगा तो आप जिस भी स्टेज के ऊपर हैं अगर आज आपके पास पैसे नहीं है डस नॉट मिल यूर पुअर आपका माइंड रिच होगा आप प्रोड्यूसर बन जाएंगे प्रोड्यूसर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली दुनिया से कैश आपको आना शुरू हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ कैश एंड मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन योर फेवर तो अगर आज पाकिस्तान को हमने चेंज करना है तो हमने पाकिस्तान में बिजनेसमैन पैदा करने हैं हमने पाकिस्तान में बिजनेस टाइकूल्स पैदा करने हैं जो इस चीज को समझ सके और वो प्रोडक्शन में जाए और प्रोडक्शन करके दुनिया को बेचें दुनिया को अपना कंज्यूमर बना लें, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान विल चेंज अगर पाकिस्तान में यहां पे बैठे हुए सौ बिलियन ईयर बंदे आ जाएं, जिनके पास जिनकी वेल्थ जो है सौ बिलियन डॉलर दो सौ बिलियन डॉलर तीन सौ बिलियन डॉलर अगले बीस सालों में तीस सालों में विल पाकिस्तान चेंज नॉट हंड्रेड परसेंट हमने कंज्यूमर पैदा किए हैं हमने प्रोड्यूसर पैदा ही नहीं किया और प्रोड्यूसर के लिए हम माहौल साजगार नहीं बना रहे आप जितनी सब्सिडी देना चाहते हैं आप कहते हैं कंज्यूमर को दे दें चीनी सस्ती कर दें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ठीक है जी आपने पेट्रोल सस्ता करें गवर्नमेंट सब्सिडी दे ये सब्सिडी किसको जा रही है कंज्यूमर को ये सब्सिडी किसको जा रही है दुनिया में सब्सिडी किसको दी जाती है दुनिया में सब्सिडी दी जाती है प्रोड्यूसर क्योंकि प्रोड्यूसर वो काम कर रहा है जो गवर्नमेंट का काम है इसीलिए जब आप ये सुनते हैं ना या मैं भी आप सुनते हैं जी कि वो गवर्नमेंट ने यहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दे दी और आप कहते हैं किसको क्यों दे दी इनके पास तो पहले ही पैसा है वो इसलिए दे दिया कि वो बेचारा रिस्क ले रहा है वो आप आठ घंटे काम करके घर को भाग जाते हैं वो सोलह घंटे अपनी फैक्ट्री में बैठता है उसकी वजह से एक हज़ार घरों का चूल्हा जलता है तो हम एक वन ऑफ द लोएस्ट आई क्यू जो है स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रीज में हम रह रहे हैं तो उस, उस बेचारे का उसका कसूर नहीं है उसको एजुकेशन दी नहीं उसको हमने पढ़ाया नहीं तो अब उस बंदे को जब आप बात करेंगे कि जनाब वो कंज्यूमर है उसको नौकरी चाहिए उसके लिए प्रोड्यूसर चाहिए प्रोड्यूसर को आप मोटिवेशन देंगे आप आज सुबह मुझे गए मैं मैं जी मैंने फैक्ट्री लगानी है आप मुझे कहीं मैं तो फिफ्टी परसेंट टैक्स लूँगा भाई मैं नहीं लाता इतने मैं किसी दूसरे मुल्के चला जाकर ला लांगा जितने मेरा तो पाँच परसेंट भी नहीं लेंगे पाकिस्तान में आप इसको अहमियत ही नहीं दे रहे दिस इज़ वेयर आर कंट्री इज गोइंग रॉन्ग और जब तक हम इस तरफ इस मैंटेलिटी को शिफ्ट नहीं करेंगे हम इस बंदे को प्रमोट नहीं करेंगे इसलिए जब बिजनेस मैनों को गवर्नमेंट कुछ देना चाहती है करना चाहती है तो वो अच्छी बात है वो बुरी बात नहीं है दैट इज़ माई पॉइंट कि हम आज से शुरू कर रहे हैं हम आप लोगों से शुरू कर रहे हैं मेरे यहाँ से आप लोगों में से एक बंदा भी अगर इसके ऊपर चल के कल को अरबपति बन जाएगा तो आई विल बी द मोस्ट हैपीएसट पर्सन क्या आज शायद चालीस साल की उम्र एक बंदा कहेगा खड़ा हो गया कि यार आज चालीस साल बीस साल पहले मैंने कैप्टन साहब की ये बात सुनी थी मैंने उसके बाद अपनी ज़िंदगी का लाइफ चेंज किया और आई एव थाट कि मैंने अब प्रोड्यूसर बनना है और मैं वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट से लेके चला मैं आज ये बन चुका हूँ That would be the day of my success.